चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी का खौफ अब भंडारा नागपुर से गौ तस्करी करने वालों पर इस कदर बैठा हुआ है कि उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। गौ तस्करों ने चंद्रपुर की जगह यवतमाल के पंडरकवड़ा रोड से गौ तस्करी करने की जानकारी मिली है। एसपी कुलकर्णी जब से आए हैं तब से गौ तस्करी करने वाले भाग खड़े हुए हैं। सूत्रों ने दी जानकारी के अनुसार भंडारा से नागपुर होते हुए आसपास के जिलों में गौ तस्करी बड़े पैमाने में चल रही है। हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के पास एक ऑडियो लगा है जिसमें गौ तस्करी करने वाले भंडारा से लेकर यवतमाल तक कैसे अपना धंधा चलाते हैं और पुलिस वालों को पैसे किस प्रकार दिया जाता है। देखो तुम्हारी सब से तुम कर लो, वो नहीं वो साहब से बोला तो नहीं बोले, मिलजुल के कर लो, बोले एंट्री बोल रहा हूँ साहब लोग कर रहे तो क्या करने वाला, गुंजाइश नहीं है उसमें कुछ भी। ये कैसा पद्धति रोड चलता बोले, वड़की से ले लेना, वड़की की एंट्री है पूरी, वड़की पांडोगोड़ा बोरी इनका क्या है बोले तो उसके व्यापारी के दो गाड़िया, मेरे व्यापारी के दो गाड़िया, सबके मिला के उन्होंने पुलिस वाले चला ले। हाँ ये सब जन पूरा आगा पेपर वेपर सब 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 आगा उसमें, सब सब ही आगे उसमें, ड्राइवर आएगा आरटीओ का सब सब आगे उसमें दस में बात करके जा रहे तो कैसा होते ही बस कहीं तो देगा आपको क्या है। एक बात बोल रहा बात सुनो, वो मैं भी क्या आ रहा इससे मैं बोले तो एक बात बोलता, मैं भी ले रहा नहीं बात सुनो, हाँ पुट्ठे है ना मेरे हाथ के नीचे, हाँ उनको जो मैं दे रहा, मैं ये लपड़े में गिर रहा नहीं, ऐसा है क्या काम पक्का है बोल के तुम आपको बोलना है तो बात सुनो, इसमें कैसा तुम्हारा फायदा है बोलू क्या, अगर तुम पहले ईमानदारी से गाड़िया बतला है अपन उनको पूरे, बाद में कैसा तुम तीन भैया एक छुपा सकता मैं बराबर है, ऐसी एक गाड़ी निकल जाएंगी, अब चार लाए समय तो दो ही बतलाने का, ऐसा कर सकता हूँ मेरे हद तक बराबर है, नहीं नहीं बोलते उन्होंने, मैं बोल रहा ना नहीं बोलते क्योंकि बाकी दे रहे ना उनको। यह बात भी ऑडियो में की गई वार्ता से स्पष्ट होता है। हाँ तो सेटअप है ना हाजी साहब ने नहीं डाले, वो डायरेक्ट है ना जैसा वो इसके पहले पेपर कीपर में चला उसका नाम, तो उसने क्या करा अपन गलबू फ्रंट में आना वो शायद ने बच्चों से काम करा लेने का सब मिल बात के जिसको जितने मिले उसको सही, कोई रोड पे आएगा तो उसकी जवाबदारी, हाँ सभी जागे सभी पूरा दस में पूरा वो आ गया। और ये पांडोगोड़े के है ना जो जाकिर फाकिर ये कुत्ते जो पीछे लगते थे 4000 में आ गए, वो मैं क्या बोल रहा तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम 20 दो बात सुनो, तुमको कैसा है एक गाड़ी तुम 20 की डाले तो लोकेशन रोड का मालूम होता, गाड़ी कैसे बॉर्डर से गई तो 20 लग रहे ना बराबर है, इधर का बॉर्डर का किसको मालूम नहीं होगा, मैं बोलता भैया पांडोगढ़ वाले को नहीं मालूम है और साठ लोगों को नहीं मालूम तुम्हारी गाड़ी बची, सीधा बोलूंगा हम तुमको तो तुम हाँ। क्या करने का भैया इसके तुम 10 लो हम नहीं लेते आई, हाँ तो कैसा तुम्हारे अब तुम बचा के लाए बचाने का शर्त नहीं हमारे हाँ। मालूम है पर इसका क्या गाड़िया पांडोगढ़ वाले को छुपके निकल गए तो गाड़ी डालने का गाड़ी आती, अरे इनको फोन लगा था मैं, अरे गाड़ी पार हो गई, अरे नहीं आने की, फिर बोलता वो पीछे के दो आ रहे ये दो निकाल हाँ। लेते ऐसा ऐसा सेटअप बोले तो तुम्हारी कम में एंट्री होती। खास बात यह है कि इसके पहले भी महाराष्ट्र टीवी 24 ने गौ तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ किया था, लेकिन जब इस गलत धंधे में पुलिस के कुछ लोग लिप्त होने से इन पर होगी कार्रवाई। ऑडियो में तस्करी का मुखिया ने पांडरकवड़ा पुलिस स्टेशन के PSI को हर एक गाड़ी 10,000 रुपए देकर महाराष्ट्र बॉर्डर से पार करने का काम लिया। तस्करी का मुखिया ने पांडरकवड़ा पुलिस स्टेशन के PSI पर गाड़ी के 10,000 रुपए देकर महाराष्ट्र बॉर्डर से पार करने का काम किया। महाराष्ट्र में तेलंगाना पहुंचाने का काम 3 व्यक्तियों को दिया गया। इनके नाम है आकाश भूरिया, जाकिर कोशवाल, इनको दिया गया। चंद्रपुर में भी गौ तस्करी करने वालों ने एक अधिकारी को गाड़ी से उड़ा दिया था जिसकी जगह पर ही मौत हो गई थी। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अपने ही कुछ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मिलकर इन जैसे गौ तस्करी करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। नागपुर के बेलत रोड़ी, सोनेगांव, बुटीबोरी होते हुए हिंगनघाट, देवरी, पांडरकवड़ा से हैदराबाद तक गाड़ी गई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।